तो गुड इवनिंग गाइज, अभी उसके सवा छः और मैं आ चुका हूँ अपने खेतों में, क्योंकि यहाँ पे आवारा जो पशु बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आ गया मैं खेत में, तो यहाँ पे देखा आज तो कोई पशु नहीं है, तो थोड़ी मतलब दिल को शांति मिली। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग में मैं 10-15 मिनट की बातें क्यों बताता हूँ, क्योंकि यार अभी इतना सपोर्ट तो आप लोग नहीं कर रहे हो ना, थोड़ा सपोर्ट करो। तो धीरे धीरे पूरे दिन की दिनचर्या भी दिखाएंगे। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो यार मतलब देखिए, आ चुके हैं हमलावर खेतों में हमला करने के लिए। सारा बाज रखा जाता है यार, क्या करें, इनको यहीं से वापस करना होगा आज तो। अरे तो क्यों चेहरे तो यार गाइज, आज के लिए तो इन्हें वापस कर दिया, बट डेली डेली कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। आज तो गए वो, अभी यहाँ पे रोड का काम चल रहा है देखिए, और इस साइड में अपने खेत है बाजरा बाजरा, और इधर रोड का काम चल रहा है। ये यहाँ पे ये उखाड़ उखोड़ के फेंक दिया उन लोगों ने, और इधर ये देखिए रोड़ी वगैरह डाल दी, और उधर से आएगा बुहाना से, और किधर जाएगा, इधर नारनौड़ की साइड जाएगा। तो ये रोड बनेगा उसके बाद भी ठीक रहेगा। तो यार साधनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे, बेकार रोड है। और उस साइड में एक बनी है, उसके अंदर एक छोटा सा मंदिर है या मंडी है, वो क्या है वो भी दिखाएंगे आपको। अभी चलते हैं, उधर चलते हैं, अभी इस रोड से होते हुए उस साइड जाते हैं। तो यार यहाँ पे एक माता का मंदिर था इस बणी में, तो वहाँ तो पहुँच गए मैं। लेकिन यार दिक्कत एक आ गई, मैं यहाँ पे बहुत काफ़ी दिन पहले आया था, तो यहाँ पे साफ़ सफाई हुआ करती थी, बट आज की बात करें तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, एक मकान बना रखा है और आगे एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर पहले तो स्वामिनी वगैरह भी हुआ करती थी, मैंने काफ़ी बार यहाँ पर देखा है, बट फिर भी दिखाते आपको चल के आगे। समय समय की बात होती है भाई, आप देखिए अभी की लोकेशन और एक टाइम की बात है, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता हुआ करती थी। समय बलवान है प्रधान। तो ये है भाई वो मंदिर, सती माता का मंदिर है शायद मेरे हिसाब से। चलते हैं यहाँ से वापस।